अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। देख रहे हैं राजवैद्य जी, देवी अंजना के उपचार के लिए मारुति नाम वाली जड़ी बूटी की आवश्यकता थी। आपकी जड़ी बूटी किस काम की? सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, माँ के प्राण तो पुत्र में ही बसते हैं, पुत्र लौट आया तो प्राण भी वापस आ गए। मारुति हम सब के साथ आपको बारंबार धन्यवाद। देवी अंजना, मुझे लौटने में विलंब हुआ जिसके कारण आपको अपार वेदना हुई, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा नहीं है वायुदेव, आप ही के कारण तो सुमेरु राज परिवार और सुमेरु की प्रजा को ये सुख के क्षण प्राप्त हुए हैं। आप निस्संदेह ही धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ वायुदेव, एक प्रकार से देखा जाए मारुति को दूसरा जन्म दिया है आपने, और जन्म देने वाला पिता होता है, इसीलिए मारुति आज से आपका पुत्र भी कहलाएगा। का एक नाम पवन भी है, इसीलिए आज से समस्त संसार मारुति को पवन पुत्र के नाम से भी जानेगा। मारुति को पवन पुत्र के नाम से भी जानेगा। मारुति को पवन पुत्र के नाम से भी जानेगा। मारुति को पवन पुत्र के नाम से भी जानेगा। वायुदेव के सब आभारी, जीवित पुनः हुए मारुति, देव गुरु ने दिया है नाम, पवन पुत्र भी है हनुमान। जग में होगा ये नाम विख्यात, पवन पुत्र को कोटि प्रणाम। केसरी नंदन अंजनी पुत्र, पवन पुत्र भी है हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हाँ, आज से हमारा पुत्र मारुति पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाएगा। केसरी जी, आज मारुति संसार का सबसे भाग्यशाली बालक है। इसे मात्र मेरा आशीर्वाद ही नहीं, अपितु सभी देवताओं के आशीर्वाद और वरदान प्राप्त हुए। और सभी देवताओं ने मिलकर मारुति को एक नवीन नाम भी दिया है,
संकट मोचन महाबली हनुमान 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 संकट हनुमान मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हनुमान हनुमान कितना शुभ नाम प्रतीत होता है। इसके उच्चारण मात्र से लगता है जैसे शक्ति का संचार हुआ हो। देवी अंजना, ये नाम बहुत कल्याणकारी है। इस नाम में मंत्रों की शक्ति निहित है। हे देवता, आप सबने मेरे पुत्र को नया जीवन दान दिया। इसके लिए मैं मारुति की मां अंजना आप सबकी जीवन भर आभारी रहूं। आपका दिया हुआ नाम मुझे सादर स्वीकार। आप सबको कोटि कोटि नमन। धन्यवाद प्रभु। कोटि कोटि नमन। देखा देवी, मेरी प्रेरणा से आप क्षुब्ध हुई। अन्य देवियां भी क्रोधित थी, उधर वायुदेव भी व्यथित थे, जिससे प्रकृति भी विक्षुब्ध हो उठी। और परिणाम क्या निकला? इंद्रदेव को विवश होकर मारुति को जीवनदान देना ही पड़ा। जगत के पालनहार, आपकी लीला अपरंपार है, जिसे कोई भी नहीं समझ सकता। अब हनुमान के प्राण लौट आने पर सारा जगत शीघ्र ही पुनः सुचारू रूप से चलने लगेगा। सब कुछ पूर्व स्थिति में आ जाएगा। पला पल पल, ये वानर पालक तो महामायावी है। मुझे लग रहा था ये मर गया होगा, किंतु ये तो जीवित लौट आया। ये कैसे हुआ? क्या रहस्य है इसके पीछे? ये तो भीतर जाकर ही जाना जा सकता है। क्या सुगंध है! लगता है अंदर लड्डू रखे हैं। कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। चल अतिवल, तुम्हारी तो निकल पड़ी। इतने सारे मिष्ठान और इतने सारे फल, लपक ले लपक ले अतिवल। कौन आ रहा है मेरे रंग में भांग डालने? अतिवल का मिष्ठान भोजन। कहाँ जाओ?
कैसे बचाऊं स्वयं को? साजू, साजू, लड्डू। स्वयं को लड्डू में ही परिवर्तित कर लेता हूँ। केसरी नंदन की जय, अंजना नंदन की जय, केसरी नंदन की जय, अंजना नंदन की जय, केसरी नंदन की जय, अंजना नंदन की जय, केसरी नंदन की जय, अंजना नंदन की जय। सुखी रहें, संपन्न रहें प्रजाजनों। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप सबके प्रिय मारुति सकुशल लौट आए हैं। आपको ये जान के और भी प्रसन्नता होगी कि देवताओं ने हमारे मारुति को एक नया नाम भी दिया है। वो नाम है हनुमान। आज से मारुति हनुमान के नाम से जाने जाएंगे। केसरी नंदन हनुमान की जय, अंजनी पुत्र हनुमान की जय, केसरी नंदन हनुमान की जय, वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोर जय, जय भगवान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिलोक पुजारी। और एक और महत्वपूर्ण घोषणा करनी थी। यदि हनुमान यहां पर हमारे साथ उपस्थित हैं, तो पवन देव के कारण। पवन देव के कारण हमारे हनुमान को नया जीवन मिला है। अतः आज के बाद हनुमान पवन पुत्र के नाम से भी जाने जाएंगे। देवी अंजना, हनुमान जैसा पुत्र कड़ी तपस्या और साधना से प्राप्त होता है। देवताओं ने हनुमान को अनेक दिव्य शक्तियां प्रदान की। ये क्या कह रहे हैं आप वायुदेव? और शक्तियां? अब आपको हनुमान की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है देवी अंश। अब कोई भी हनुमान का अहित नहीं कर सकता। ये सदा सकुशल और सुरक्षित रहेगा। बल बला बल बल, देवताओं का वरदान। बल बला बल बल, लड्डू बनने का लाभ तो मिला। बल बला बल बल, अब ये महत्वपूर्ण सूचना दशानन के लिए बड़े काम की है। बल बला बल बल, अब इस वरदान में कौन कौन सी शक्तियां मिली है ये जानना अति आवश्यक है। अति बल 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 बल, इतनी ही शक्तियां संभाल नहीं पा रहा है, और शक्तियां? हाँ माँ, मुझे बहुत सारे वरदान मिले हैं। चलो मित्र, लड्डू खाते। हाँ हाँ पुत्र हनुमान, तुम भी भीतर जाओ, लड्डू खाओ और अपने मित्रों को भी लड्डू खिलाओ, और प्रजाजनों में भी मिष्ठान वितरित किया जाए। मित्र हनुमान, लड्डू खाने चले? हाँ हाँ चलो। हाँ चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो, लड्डू खाए। चलो चलो। माँ का वश चले तो वो अपने पुत्र को संसार के समस्त सुख, वैभव और सारी शक्तियां दे डाले। किंतु आश्चर्य है
मारुति को देवों के द्वारा जो दिव्य वरदान मिले हैं, अंजना उनसे प्रसन्न होने के स्थान पर चिंतित हो उठी। सत्यवामा, माँ तो अपने पुत्र को सब कुछ ही देना चाहती है, किंतु एक अच्छी माँ सबसे पहले यही देखती है कि वो जो कुछ भी अपने पुत्र को दे रही है, पुत्र उसे उचित रूप से संभाल भी सकता है या नहीं। देवी रुक्मणी, वरदान सबको नहीं मिलते, दिव्य शक्तियां उसे ही मिलती हैं जो उसके योग्य हो। हनुमान को सुपात्र मानकर ही वरदान दिए गए हैं, इस आशा से कि वरदान में मिली दिव्य शक्तियों का उपयोग संसार के कल्याण के लिए हो सके। किंतु हनुमान उस समय एक अबोध बालक थे, इसीलिए अंजना चिंतित थी कि कहीं हनुमान बालपन में इन दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग ना कर बैठे। अंजना का कर्तव्य था कि वो हनुमान को मिले वरदानों को एक सही दिशा दिखाए और उचित दिशा का बोध कराने के लिए हनुमान को जीवन की पाठशाला में वो सारी शिक्षा प्राप्त करनी आवश्यक थी। बालपन की अनेक क्रीड़ाओं से, गुरुकुल की शिक्षा आदि से बालक का जीवन के विभिन्न रूपों और आयामों से परिचय होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। इन सब के लिए हनुमान को भी बालपन की लंबी प्रक्रिया से होकर निकलना आवश्यक था। बहुत कुछ सीखना शेष था हनुमान के लिए। सिखाएंगी तो आप ही हनुमान को देवी अंजना। माता पिता संतान के प्रथम गुरु होते और उसका घर उसका प्रथम गुरुकुल होता है। वायुदेव, आपने और समस्त देवताओं ने मेरे पुत्र पर जो असीम कृपा की है, उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगी। किंतु वरदान और शक्तियां उसे प्रदान की जानी चाहिए जो इनके प्रयोग और परिणाम की गंभीरता को समझता है। हनुमान तो अभी बहुत छोटा और अबोध बालक है वायुदेव, वो इतनी बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियों और वरदानों के उत्तरदायित्व को कैसे संभाल पाएगा? तुम्हें इतनी भूख लगी थी कि आकाश फल खाने चले गए। अच्छा तुम ये तो बताओ कि आकाश फल का स्वाद कैसा था? थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो, बड़ा ही गर्म रहा होगा आकाश फल, है ना? बालक का मन गीली मिट्टी के समान होता है देवी अंजना, जिसे शिक्षा और संस्कार के द्वारा एक समुचित आकार प्रकार देना माता पिता और गुरु का कार्य होता है। आपका अभिप्राय मैं समझती हूँ वायुदेव, किंतु भय ये है कि भले बुरे का ज्ञान ना होने के कारण हनुमान इन शक्तियों से स्वयं का या किसी अन्य का अहित न कर बैठे। देवी अंजना, देवताओं ने तो हनुमान को दिव्य शक्तियां प्रदान कर दी, अब आपका और महाराज केसरी का उत्तरदायित्व है कि आप दोनों सीख और संस्कार के द्वारा हनुमान को सांसारिक ज्ञान का बोध कराएं।
जिससे वो अपने उत्तरदायित्व को समझने योग्य बने, तभी उसकी दिव्य शक्तियां संसार के काम आ पाएंगी और एक संपूर्ण हनुमान का निर्माण होगा। सुगंध है, इतने मधुर पकवान और मिष्ठान। आज तो आनंद ही आनंद आने वाला है। हाँ। देवी अंश, आपको सदैव ये ध्यान रखना हो कि आप एक सामान्य माता नहीं, अपितु हनुमान की माता। हनुमान जिसे आने वाले युग का निर्माण करना है, बड़े बड़े वे अद्भुत कार्य करने। सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। आपका कथन सत्य है वायुदेव, मैं अपने पुत्र को संपूर्ण ज्ञान कराऊंगी, उसे इस योग्य बनाऊंगी कि वो इन वरदानों और शक्तियों का उचित दिशा में प्रयोग कर सके। पवन तनय संकट हरण,